नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। देश भर से किसान सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में अब बिहार के किसान भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर किसानों के समर्थन में जुट गए। बिहार के अररिया क्षेत्र के किसानों ने चांदनी चौक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। इस दौरान किसानों ने सरकार से 3 बिल कृषि कानून को हटाने की मांग की। जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़े किसान मजदूर के साथ शहर के कई प्रबंध नागरिक प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरा देश यानी पूरा हिंदुस्तान ये कानून जो सरकार लाई है, 3 बिल जो सरकार लाई है अभी, ये कानून के खिलाफ पूरे देश में किसान आग बगोला हुए हुए हैं। हर जगह इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कानून जो लाई है, ये कानून में हम जहाँ तक स्टडी किए हैं, ये कानून ऐसी कानून है कि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी को ये किसानों का फसल यानी उसके हवाले करना चाहते हैं। हर चीज़ ये प्राइवेट लिमिटेड में ही देना चाह रहे हैं। अगर इस तरह का कानून रहेगा तो उसकी मोनोपोली चलेगी और हम लोग जो जिन भी लोग हैं ये लोग बर्बाद हुएंगे, उसके अनुसार हम लोगों को अपना माल बेचना होगा। इस अनुसार से हम चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार इस कानून को वापस ले ले, क्योंकि इस आधार पर हम लोग नहीं कर सकेंगे। 2006 में जो हम लोगों का मंडी तो रद्द कर दिया गया है, नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि इस मंडी को पुनर्चालू करें और किसानों का माल को डायरेक्ट मंडी में न्यूनतम मूल्य पर बेचा जाए और किसानों को इसका लाभ मिले। इसलिए पूरे देश के किसान एक साथ होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि इसको ये पुनर्विचार करके इस बिल को वापस ले ले, अन्यथा सारे के अन्नदाता पूरे देश के एक होके इसको लेना ही होगा, चाहे इसको जिस हाल में लो ये बिल को वापस लेना होगा। नाम बता दो। मेरा हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पुतला दहन हुआ है और जो कृषि बिल जो पारित किया गया है, वो कृषि बिल किसानों के खिलाफ बिल है। वो कैसे खिलाफ है मैं आपको बता सकता हूँ। 1955 में जो भंडारण का नियम था, जिस पर कांग्रेस ने लगाम लगाई थी, आज उस नियम को भाजपा की सरकार ने बदल दिया और भंडारण को आप उन्होंने चालू हालत में कर दिया, जिससे महंगाई बढ़ेगी। और जो प्राइवेटाइजेशन है, जो वो बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से किसी की हालत सुधरेगी, मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन से किसकी हालत सुधरी है? आपने ट्रेन बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, सब चीज़ तो महंगा कर दिया है। इसमें किसानों की हालत सुधरने की कहाँ बात आती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्राइवेट मार्केट में भी फिक्स करनी चाहिए, तब किसानों की हालत जो है सही सुधरेगी। नहीं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकारी खदानों में कुछ होती है और मार्केट में जो उसका उचित दाम फिर नहीं मिलता, जिससे कि किसानों की जो बदहाली होती है वो लगी रहती है। क्या नाम है आपको? सिकंदर अहमद, जिला प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान के किसान परेशान है, क्योंकि 3 किसानी बिल लाया गया है जिसमें सरकार की ये साजिश है, उनकी ये मंशा है कि किसानों को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने सरकारी मंडियों को ख़त्म करने की योजना बना दी है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की योजना बना दी है। इसको लेकर पूरे देश के किसान हलकान है। आप जानते हैं कि दिल्ली के बाहर कई दिनों से किसान डेरा डाले हुए हैं। हम लोग बिहार में, क्योंकि यहाँ पर 2006 में ही सरकारी मंडियों को बंद कर दिया गया था, हमारी मांग है कि किसानों को उनका जो फसल है, जैसे अभी धान का फसल हुआ है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, सरकारी मंडियों को पुनः चालू किया जाए और हम जो देश भर के किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं, उनके समर्थन में भी आज मोदी जी का पुतला जला रहे हैं कि सरकार उनसे वार्ता करे, उनकी बातों को सुने, उनकी परेशानियों को सुने। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम सभी उनके उपजाए हुए अन्न को खाते हैं, इसीलिए ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि तो किसानों की समस्या पर गौर करें और 3 किसानी बिल जो उन्होंने लाया है उसको खारिज करें। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष रंजन है, जन जागरण शक्ति संगठन। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560 4
6410 9560464170